हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन में अब तक हम लोगों ने कॉनिकल प्रोजेक्शन यानी शंकुओं का प्रक्षेप पढ़ लिए हैं, और आज से हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन यानी कि बेलनाकार प्रक्षेप। तो बेलनाकार प्रक्षेप क्या होते हैं, ये कैसे पढ़े जाते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये आप मेरे हाथ में ग्लोब देख रहे होंगे, और ग्लोब के जो मध्य में जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन होती है, अगर हम इस ग्लोब के पीछे अगर कोई हम एक कागज़ लगा लें और कागज़ लगा करके यहाँ से कोई प्रकाश डालें, और इसकी जो अक्षांश देशांतर रेखा जो पीछे इस कागज़ पर उभर करके आएंगी, उनके द्वारा जो रेखा जाल बनेगा वह एक प्रकार से भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच के एरिया को अधिकांशतः सही ढंग से प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे जब प्रक्षेप बनाए जाते हैं उनको बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। बेलनाकार प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं, उनमें से आज हम लोग पहला प्रक्षेप पढ़ रहे हैं, तो जिसका नाम है सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इसको हम लोग इंग्लिश में जनरल अथवा इक्वल डिस्टेंस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को हल करने से पहले हम पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1:30 करोड़ मापनी एवं 15 डिग्री अंतराल पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो समदूरस्थ हमें एक प्रक्षेप बनाना है जिसका आरएफ दिया गया है 1:30 करोड़, जिसमें हमें अंतराल रखना है 15 डिग्री का। तो इसको प्रक्षेप को बनाने से पहले हमें इसको तीन स्टेप में हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ में लिखना पड़ेगा कि रचना विधि के अनुसार हम इसको जो सॉल्व करेंगे, रचना विधि के अनुसार। अब इसमें जो पहला होगा, इसका पहले में हम लोग क्या करेंगे कि जो पृथ्वी के लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास होता है, पहले हम लोग उसको निकालते हैं। तो पहला यहाँ निकालेंगे पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास। तो इसको निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालते हैं गोले का अर्धव्यास को। तो यहाँ पर हम लोग मान रख लेंगे रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास देखेंगे सेंटीमीटर में तो वो होता है 63 करोड़ 50 लाख, और अगर आप इसको इंचों में सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको रखना पड़ेगा 25 करोड़ इंच। तो जैसे हम लोग इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा 63 करोड़ 50 लाख बट्टे दी गई भिन्न का हर या प्रतिशत भिन्न का हर, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो हर दिया गया हमारा 30 करोड़ जो संख्या दी गई होती है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब जो 30 करोड़ संख्या है और पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास होता है इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। तो जब इसको आप भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास है वो 2.1 सेंटीमीटर होगा। इसी में हम लोग दूसरा निकालेंगे
भूमध्य रेखा की लंबाई। तो भूमध्य रेखा की लंबाई जो हम निकालते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2πr। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना ऊपर आया तो आपका आर आया था 2.1। इस प्रकार से जब आप भूमध्य रेखा की लंबाई को सॉल्व करेंगे तो ये जो लंबाई निकल के आएगी वो आएगी यहाँ पे 13.2 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर इसकी भूमध्य रेखा की दूरी निकल के आती है। इसी में जो लास्ट में जो हम तीसरा स्टेप यहाँ सॉल्व करें, भूमध्य रेखा के बाद में हम लोग निकालते हैं कि अंतराल क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि आप लोग क्या करें कि प्रक्षेप में 15 डिग्री का अंतराल रखें। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें लिखना होता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है 2πr इंटू अंतराल, क्वेश्चन लिख लें अंशों में बट्टे 360। यानी कि जो हम देशांतर रेखाएं बनाएंगे उन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 2πr हम लोग लगा लेते हैं। 2πr जैसे हम लोग देखते हैं कि 2πr यहाँ हमारा 12.1 आया था, इंटू अंतराल अंशों में कितना कह रहा है तो वो यहाँ पे आप देखें 15 डिग्री कह रहा है। तो इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 2πr की वैल्यू कितनी थी, वो थी 12.1 सेंटीमीटर, इसी में अंतराल कितना है इंटू 15 डिग्री बट्टे 360। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.55 सेंटीमीटर, 0.55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने तीन रीडिंग निकल के आ गई। एक तो पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास रेडिएशन आया है वो 2.1 सेंटीमीटर आया है। इस लघुकृत गोले से ही हमने क्या किया, भूमध्य रेखा की लंबाई निकाली। और भूमध्य रेखा की लंबाई के लिए सूत्र होता है 2πr। तो हमने 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी 2.1 यहाँ रख ली। इसको जब सॉल्व किया तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकल के आई है 12.1 सेंटीमीटर। इसी में तीसरा जो हम लोग सॉल्व करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, उसमें उसका सूत्र होता है 2πr इंटू अंतराल, अंशों में जो दिया जाता है डिग्री में, बट्टे 360। तो ये जब हमने फॉर्मूला लगाया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया वो आया 0.55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है, एक तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है भूमध्य रेखा की लंबाई। तो भूमध्य रेखा की लंबाई जो हमारी आई है वो आई है हमारी 12.1 सेंटीमीटर, और एक हमारा जो अंतराल है देशांतर का वो आया है 0.55। यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी मेन चित्र में हमें आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम बनाएंगे। बेलनाकार सम जो दूरस्थ प्रक्षेप होता है उसको बनाने के लिए हमने जो अभी सॉल्व किया था उसमें से हमें दो चीज़ की आवश्यकता रहती है। एक तो हमें भूमध्य रेखा की लंबाई जो दी गई है 12.1 सेंटीमीटर, और एक हमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो आई थी वो आई थी 0.55 सेंटीमीटर। अब हमें इनकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप क्या करें कि कोई भी एक 12.1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें, 12.1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें। तो जैसे ये कोई ए बी रेखा है और जो कि 12.1 सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई है जो हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने पर आंसर में वो आई थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि
यहाँ पर एक रेखा सी डी बिना नाप के भी खड़ी कर लें, और एक रेखा ई एफ यहाँ खड़ी करें आप, ई एफ रेखा यहाँ खड़ी कर लें। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक भूमध्य रेखा के लिए सबसे पहले एक रेखा खींची जिसकी कुल लंबाई है 12.1 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर ए पर एक सीढ़ी रेखा खड़ी की जो भी बिना नाप की है, और यहाँ पर बी पर भी हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ई एफ एक रेखा खड़ी कर ली जो अभी बिना नाप की है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, वो ये कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0.55 है, तो यह ध्यान देंगे कि नाम है समदूरस्थ, तो जब वो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0.55 आई है तो यहाँ अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी 0.55 सेंटीमीटर होगी। अब हमें करना ये होगा कि अपना स्केल लेना है, और स्केल लेने के बाद में अपना डिवाइडर लें, और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर सेंटीमीटर वाले भाग दिए गए हैं और नीचे दिए गए इंच वाले भाग। अब जो एक सेंटीमीटर जो होता है, अगर आप एक सेंटीमीटर बात करेंगे तो इसमें छोटे छोटे 10 कॉलम होते हैं। अब वो कह रहा है 0.55, अगर वो कहता 0.50 तो 0. अगर वो 50 कहता तो हम लोग क्या करते हैं 0.50 के लिए तो उसका आधा सेंटीमीटर का हम भाग ले लेते, लेकिन क्वेश्चन का वो कह रहा है 0.55, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 0.55 के लिए कि यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी आपको दूरी ऐसे सेट करनी है कि वह दूरी आपके 5 और 6 मिलीमीटर के बीच में रहे, और ये केवल आपके इस डिवाइडर से ही संभव है, पेंसिल से इस दूरी को नहीं लिया जा सकता है। क्यों? ये दूरी बहुत कम होती है, तो हम डिवाइडर को ऐसा सेट करें कि आधा सेंटीमीटर तो आ ही जाएगा और 5 और 6 mm के बीच तक इसको हम लोग ले लें, क्योंकि जब आप इसको गौर से देखेंगे तो इस स्केल के अंदर भी 1 मिलीमीटर के बीच में एक लाइन होती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि 0.55 की दूरी है वो अपने डिवाइडर में लेनी है और यहाँ पर आपको निशान लगाने हैं। तो जब निशान लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि 90 अक्षांश ऊपर होते हैं और 90 नीचे होते हैं, तो ये 0 की डिग्री हो गई भूमध्य रेखा वाली। तो एक जब आप निशान लगाएंगे तो ये 15 के लिए होगा, दूसरा निशान और इसी को ऊपर आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा ये 30 को शो करेगा, अगला 45 को करेगा, उससे आगे 60 को करेगा, 75 को करेगा और 90 को करेगा, यानी कुल मिला के आपको 6 निशान आपको ऊपर की ओर ए से सी की ओर लगाने हैं। वैसे ही 6 निशान आपको क्या करने हैं कि नीचे ए से डी की ओर लगाने हैं जो आपने डिवाइडर में ले रखे हैं, तो वही सेम 0.55 की दूरी लेते हुए 6 निशान नीचे लगा लें। अब ऐसे ही ये 6 निशान आपने इधर लगाए, वो 6 निशान आप इधर लगाएंगे सेम वही डिस्टेंस में, ऐसे ही आपको 6 निशान 0.55 के इधर नीचे लगा देने हैं जो कि बी एफ पे होंगे। अब हमें क्या करना है कि इन रेखाओं को स्केल की सहायता से आपको अपना स्केल लेना है और यहाँ पर इन रेखाओं को ऐसे रख कर के आप मिलाइए, इनको हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से मिला देते हैं। जब आप इसको स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ही सीधे और सही आएंगे। अब हमें करना ये होगा कि ये अब ये हमारी अक्षांश रेखाएं निकल करके आ गई, जैसे आप देखिए 0 है ऊपर और आएंगे यहाँ 15, 30, 45, 60, 75 और 90,
उत्तर में है तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिख देते हैं। ऐसे ही या नीचे लिखेंगे तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90 यहाँ लिखते हैं। ये साउथ में पड़ेंगी तो यहाँ दक्षिण लिख देते हैं। अब हमारी क्या है कि अक्षांश रेखाएं बनकर के तैयार हो गई हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा है भाग में इसको उठा देता हूँ। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो पूरी रेखा है वो 12 पॉइंट कितने की है, एक की है। तो हम क्या करेंगे कि वही 0.55 जो दूरी हम लोगों ने यहाँ ली थी अभी अक्षांश रेखाओं के लिए, वही सेम दूरी हमें डिवाइडर में लेनी है और इस भूमध्य रेखा के ऊपर हमें क्या करना है कि निशान लगा देने हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे कि जब आप 15-15 के अंतराल पे जब आप निशान लगाएंगे तो इसमें कुल आप लोगों के 24 रेखाएं बनेंगी। जैसे कि हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 360 टोटल डिग्री होते हैं और 15 का अंतराल वो कह रहा है तो 24 रेखाएं इसमें बनेंगी। अब 24 रेखा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका ये भी है कि आप 12.1, तो 12.1 का आधा भाग ले लें पहले, तो वो आएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप दूरी नापेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक रेखा खींच लें। ये हमने खींच ली, ये जो रेखा है वो नाप करके आप इसका जो क्योंकि टोटल लंबाई इसकी भूमध्य रेखा की 12.1 है तो इसका आधा ले लें जो कि आपकी 6.05 पे आएगी। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे ये हमारी ग्रीनविच रेखा या मध्यान रेखा ये निकल करके आ गई। अब आपको करना ये कि यहाँ से इधर तो 12 भाग इधर करने होंगे और 12 भाग हमें इधर करने होंगे, और 12 भाग बराबर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी देशांतर रेखाओं को बनाएंगे। तो वही सेम दूरी आपने क्या करेंगे कि जो आपके पास जो ये डिवाइडर है, डिवाइडर से ये दूरी आपने जो ली थी अक्षांश के लिए, वही देशांतर के लिए 12 निशान इधर लगाएं और 12 आप इधर लगाएं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो आप देख रहे हो कि अभी इसमें मैंने 6 भाग कर लिए हैं और एक इनके बीच में एक ही लाइन में और बना देता हूं तो ये पूरी 12 कंप्लीट हो जाएंगी। ये आपको दूरियां नाप करके लेनी है। जब आप दूरी नाप के लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस में ये बनती हैं। इसी प्रकार से इधर भी आप लोग क्या करेंगे 12 भाग लेनी है। तो एक तरीका ये भी है कि पहले आप 6 ले लें फिर उसके बीच में एक लाइन बना दें, वही दूरी लेनी है आप लोगों को। इसके बीच में मैं और एक एक लाइन बना देता हूँ। इस प्रकार से ये आप लोगों की देशांतर रेखाएं बन गईं। और देशांतर रेखाओं के लिए हम लोग क्या करेंगे इसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 15, ये 30, तो मैं एक एक लाइन छोड़ के इसमें लिख देता हूँ 30, 60, 90, यहाँ पे
120, 150 और 180। अब ये पश्चिम होता है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पश्चिम। ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन छोड़ कर, क्योंकि 15 की है तो ये 30 की होगी, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ये पूर्व होता है तो यहाँ पे हम लोग पूर्व लिख देते हैं। तो ये हम लोगों की ये देशांतर रेखाएं और ये रेखाएं अक्षांश निकल के आ गई। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेटर लाइन जो होगी उसको डार्क करेंगे। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसे, जिससे ये स्पष्ट रूप से देख पाए। वैसे तो हम इसको जीरो से ही पहचान लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख भी देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे तो यहाँ हमने लिख दिया इक्वेटोर या इक्वेटर लाइन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये आप लोगों के अक्षांश रेखाएं और ये खड़ी जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये भूमध्य रेखा के निकट ये लगभग सही स्थिति को दर्शाते हैं। तो ये जो प्रक्षेप है वो भूमध्य रेखा के क्षेत्रों को पढ़ने के लिए सही और शुद्ध रहता है। तो आज हमने समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप को समझा, कल हम कोई नया प्रक्षेप पढ़ेंगे। थैंक यू।